बेटा इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप गॉस लॉ यूज कर लीजिएगा। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जाहिर सी बात है जो भी चार्ज देंगे आप कहाँ पे होगा बेटा, सरफेस पे होगा उसकी, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, स्फेरिकल है, हॉलो होता है स्फेरिकल, मतलब ये 10 सेंटीमीटर का है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो कह रहा 15 सेंटीमीटर, कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट, सेंटर से, यानी ये सेंटर है तो यहाँ से आपको 15 सेंटीमीटर पे चाहिए। बस एक गॉसियन सरफेस खींच लीजिए। गॉसियन सरफेस क्या कहती है? आप गॉस लॉ लगा दीजिए, कहता है जो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय, ये जो आपका क्यू है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो होगा, और फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको आता है। बहुत आसान है, काम बन गया आपका। आपने कहा ई सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला लेना पड़ेगा बेटा, गार्जियन वाला, ये वाला, ये आर इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ई निकालना बेटा, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या लिख लेंगे? ई अपॉन आर स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है बेटा आपका? 3.2 × 10⁻⁷, और आर स्क्वायर 15 × 15 × 10⁻², 10⁻², यानी -4 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। 3 3 9, 3 5 15, काफी भाग कर सकते हैं, 15 2 9 30 कर सकते हैं। नहीं काम बन रहा है तो फिलहाल इसी को करिए। 0.64 ये हो गया, एम एल राइट, 5 6 30, 5 9 5 20। अब क्या बचा बेटा आपके पास? अभी भी बचा हुआ है काफी मटेरियल। कहाँ हमारा पॉइंटर भाग रहा है? इधर आओ। 3 × 0.64, नीचे अभी 15 ही बचा है, बन गया काम। देखिए यहां से बचा 2 और ऊपर ये 4 पहुंच के क्या बना देंगे? 6। अब यहां से फिर कट जाएगा, यहां से काट लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, इसको 2 कर लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 4। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच रही है? 64 बटे इतना, 5 × 5, और अभी बचा है 1 4, तो 5.8। 10⁴ यूनिट आप जानते ही है कोई? यस है, चौथा वाला ठीक मिल गया। ध्यान रखिएगा, हर साल ऐसे ही पूछा जाता है।